नमस्कार, मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एमसीक्यूज की सीरीज में आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में जो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं ये बेसिकली यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि अंग्रेजों ने जब भारत में अपनी औपनिवेशिक नीतियों को अपनाया है तो उन औपनिवेशिक नीतियों के अपनाने के दौरान उन्होंने किन किन नियमों को फॉलो किया है, उन नियमों को भी हम देखेंगे, और साथ ही साथ में हम कुछ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने हिस्ट्री की हमारी क्लास देखी होगी तो कल की जो हमने आपको हिस्ट्री की क्लास प्रोवाइड की है वो आपने अगर देखी होगी तो प्लासी और बक्सर युद्ध को हमने कवर करने की कोशिश की है। इससे पहले दो क्लासेस आपको आर्ट एंड कल्चर की प्रोवाइड की गई हैं। अगर आपने देखा है तो ठीक है, और नहीं भी देखा है तो एक बार आप वहाँ जाके उन क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज की अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो यहाँ पर डेली हम आपको सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज डेटा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप तक डिलीवर हो जाए और आपका कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। अगर हम रेंडमली में अगर आपको एमसीक्यूज कराते हैं तो कभी कभी हो सकता है कि, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अभी मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए, एंशियंट के छूट जाएँ, या हो सकता है अगर मैं एंशियंट पढ़ा रहा हूँ तो मेडिवल के कुछ क्वेश्चन छूट जाएँ, मान लीजिए मुगल के कुछ क्वेश्चन छूट जाएँ, या हो सकता है दिल्ली सल्तनत के कुछ क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएँ। लेकिन जब हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे ना तो आप देखेंगे कि एक एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कमीशन आपके दाएँ बाएँ खेलने की कोशिश करता है उन क्वेश्चन पर हम बात कर लेंगे, ठीक। सो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आज का आपके सामने रहा ये पहला क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है, ठीक। ये हर एक कमीशन का पेट है, आप वनडे दे लीजिए तो, सिविल ले लीजिए तो, दोनों में लगभग पूछा ही जाता है कि स्थानीय स्वशासन अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहते हैं, ठीक। आप अगर ऑप्शन पे गौर करेंगे तो एक है वॉरेन हेस्टिंग, क्लाइव, कार्नवालिस और लॉर्ड कैनिंग, ठीक। अगर मैं एक बार मैं अस्थाई बंदोबस्त की बात करूं तो अस्थाई बंदोबस्त क्या है, एक बार आप उस पर, मैं एक बार इस पर आपका ध्यान फोकस करना चाहूंगा। देखिए, आपको भी पता है कि बक्सर युद्ध के बाद, ठीक, बक्सर युद्ध के बाद, ये बक्सर युद्ध कब होता है, 1764 में। तो 1764 में जब युद्ध होता है तो आप देखते हैं कि 1765 से लेकर के और 1772 तक बंगाल में जो जाना जाता है, आप जानते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया जाता है। द्वैध शासन व्यवस्था क्या कहता है, द्वैध शासन व्यवस्था सीधा सा कहता है कि दीवानी और निजामत, इन दोनों का प्रशासन अलग अलग तरीके से किया जाए, यह है द्वैध शासन, ठीक। अगर मैं द्वैध शासन की बात करूं तो द्वैध शासन का जनक जो माना जाता है लियोनिस कर्टिस को माना जाता है, भारत में द्वैध शासन का जनक क्लाइव को माना जाता है, ठीक। भारत में अगर मैं बात करूं तो ये क्लाइव को माना जाता है, ठीक। इसी के साथ ही में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त। देखिए, यहां पे मैंने बताया कि अस्थाई बंदोबस्त, सॉरी, द्वैध शासन व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने किया। क्लाइव, आपको पता होगा कि बक्सर युद्ध का जो सेनापति है वो क्लाइव था, और क्लाइव जब बंगाल विजय करता है तो बंगाल विजय के बाद में वो वहाँ पे द्वैध शासन व्यवस्था को लागू करता है, इलाहाबाद की संधि करता है, और इसी के साथ में इलाहाबाद की संधि दो अवधि के नवाब के साथ में करता है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं आपको, ठीक। इसके बाद में यहाँ पे जब आते हैं वॉरेन हेस्टिंग साहब, वॉरेन हेस्टिंग कब आते हैं, 1773 के चार्टर एक्ट आता है, उस चार्टर एक्ट के माध्यम से आप देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, और गवर्नर जनरल बनाए के साथ ही में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का एरिया भी इन्हीं के अंडर में किया जाता है। तो वॉरेन हेस्टिंग साहब क्या करते हैं कि ये अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हैं, और नीतियों में परिवर्तन करने के लिए ये जमींदारी व्यवस्था को इंप्लीमेंट करते हैं, और इसके तहत ये क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा जो व्यक्ति बोली लगाता था उसे उस एरिया का जमींदार बनाया जाता था, और कर को संकेंद्रण करने का कार्य उस व्यक्ति को होता था। ये एक वार्षिक होता था, और ये एक वार्षिक होता था, ठीक। इसीलिए इसको इजारेदारी प्रथा कही जाती थी, किसके टाइम पे, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे, ठीक।
सॉरी इसका ऑप्शन नहीं, ये नहीं, आपका ऑप्शन कार्नवालिस होगा। ठीक, अस्थानी अस्थाई बंदोबस्त का जनक जो माना जाता है वो कार्नवालिस को माना जाता है। ये एक वार्षिक था, एक वर्ष के बाद में जब क्लायो आता है तो क्लायो इसको करता है 5 वर्ष के लिए। ठीक, इसके बाद जब कार्नवालिस आता है, जब कार्नवालिस आता है तो कार्नवालिस इसको 10 वर्ष के लिए कर देता है, और 10 वर्ष करने के साथ ही ये इसको अस्थाई कर देता है। मतलब जो जमींदार सबसे ज्यादा बोली लगाएगा और कर की वसूली करके अंग्रेजों को सबसे ज्यादा कर देगा, उस व्यक्ति को उस एरिया का जमींदार बना दिया जाता था। यहीं से हमारे भारत में जमींदारी व्यवस्था स्टार्ट होती है, इसी को कहा जाता है, इसी को हम कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अब अगर मैं अस्थाई बंदोबस्त की थोड़ा सा और बात करूं, तो अगर अस्थाई बंदोबस्त में थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे भारत के नक्शे पे कुछ इस तरीके से, तो ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये हिस्सा आपका कहलाता था उस समय का बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगर मैं बात करूं बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये इम्प्लीमेंट कब किया जाता है, ये 1792 में जब कार्नवालिस आता है तब इम्प्लीमेंट करता है। किस पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों पे, संपूर्ण क्षेत्र का मतलब है कि ब्रिटिश भारत के अंडर में आने वाले जो एरिया था उन एरिया के 19% क्षेत्रों पे अस्थाई बंदोबस्त इम्प्लीमेंट किया जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो टैक्स की वसूली होती थी ये 1/10 जमींदार अपने पास रखता था और 9/10 ब्रिटिश कंपनी को पे कर दिया जाता था। इसका जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। ठीक, ये आपका रहा क्वेश्चन। और इसी के बाद में जब लॉर्ड कार्नवालिस जब वॉरेन हेस्टिंग आते हैं और जमींदारी प्रथा को स्टार्ट करते हैं, तो आपको भी पता होगा कि बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दी जाती है। अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि द्वैत शासन को भारत से किसने समाप्त किया, तो वो आपका वॉरेन हेस्टिंग था। और वॉरेन हेस्टिंग ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत का पहला गवर्नर भी था। तो ये चीज आप देख सकते हैं यहां से। वहीं मैंने क्लायो की भी बात कर ली, और मैंने एक ऑप्शन आपका है कैनिंग। अगर मैं कैनिंग की बात करूं तो लॉर्ड कैनिंग को बेसिकली हम दो कामों के लिए जानते हैं। सबसे पहला इनका जो काम था कि लॉर्ड कैनिंग की अगर मैं बात करूं तो 1857 की क्रांति, और इसी के साथ में महारानी का घोषणा पत्र भी लॉर्ड कैनिंग ने ही पढ़ा। ठीक है, इसी के साथ में अगर मैं बात करूं तो भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग साहब को ही बनाया गया था। ठीक है, ये इतनी डेटा आपके सामने थी। अस्थाई बंदोबस्त क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, किस एरिया पे था वो आपको बता दिया है, एक वर्ष से किसने किया वो बताया, 5 वर्ष से किसने किया वो भी आपने देख लिया, और 10 वर्ष का और इसको अस्थाई करने का काम किसने किया वो भी आपने देख लिया। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि रैयतवाड़ी कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी पे आपको विचार करना है। इसका क्षेत्र 12 माइल मद्रास एवं बंबई था। कुल उपज का 33-55% की वसूली कुल उपज पे की जाती थी। अगर मैं इसके जनक की बात करूं, मतलब रैयतवाड़ी का फादर, तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। देखिए, अगर मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए रैयतवाड़ी की, तो अगर आप पूरे भारत को कुछ अगर देखेंगे तो कुछ इस माध्यम से, ये वाला हिस्सा। ठीक, ये हिस्सा आपका 12 महल मद्रास से मुंबई वाला हिस्सा है। इन क्षेत्रों में सबसे पहले जो लागू किया गया था रैयतवाड़ी। ठीक, रैयतवाड़ी पहला ऑप्शन आपका सही है। इसी के साथ में अगर मैं लागू करने की बात करूं तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। ठीक, ये दो चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं वही क्षेत्र की बात करूं तो भारत का जो क्षेत्र था वो 51% ब्रिटिश क्षेत्रों पे इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक, और अगर मैं इसके साथ की बात करूं टैक्स की, तो जो टैक्स आपको पे करना होता था ये 30% से लेकर के और 55% या 50% के आसपास आपको कंपनी को पे करना होता था। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रैयतवाड़ी में कोई जमींदार नहीं होता था, बल्कि पूरा का पूरा ग्राम समाज ही रैयत का काम करता था, और हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने टैक्स को पे करने का काम करता था। ये चीजें थी आपकी रैयतवाड़ी। ठीक, रैयतवाड़ी में अगर मैं बात करूं तो 12 महल क्षेत्र में भी है, 33 से 55% के आसपास भी है, और इसके जो
जनक माने जाते हैं वो थॉमस मुनरो कैप्टन रीड को माना जाता है। इस हिसाब से अगर मैं सही कथनों पे जाऊं तो आपका ए बी और सी ये तीनों कथन आपके सही हैं। इन चीज़ों को आपने देख लिया कि ये महलवाड़ी और रैयतवाड़ी दो सॉरी अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी ये दोनों चीज़ों को आपने देख लिया है। मैं बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि महलवाड़ी में कर का निर्धारण था। महलवाड़ी क्या है, एक बार महलवाड़ी भी देख लेते हैं। अगर मैं कुछ ऐसे बात करूँ भारत के नक्शे की, ठीक, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है आपका संयुक्त प्रांत, ठीक, संयुक्त प्रांत, अवध, आगरा, संयुक्त प्रांत आगरा और पंजाब, इन हिस्सों में ये इंप्लीमेंट किया गया था। और अगर मैं इसकी बात करूं महलवाड़ी की, तो महलवाड़ी संपूर्ण क्षेत्र का, संपूर्ण क्षेत्र के ये 30% पे किया गया था, ठीक। और एक सबसे बड़ी यहाँ पे बात है, जो लगान था कोई दर फिक्स नहीं था, ये अनुमान के आधार पर था, अनुमान के आधार पर था, ठीक। सो अगर मैं बात करूँ ऑप्शन है इसका डी, महलवाड़ी में जो कर का निर्धारण था वो अनुमान के आधार पर था। अगर मैं 10/11 की बात करूँ तो आपको कहीं कहीं रैयतवाड़ी में 9/10 और 10/11 भी देखने को मिलता है। तो ये कंपनी का हिस्सा होता था और ये जमींदारों का हिस्सा होता था, और जो एरिया था वो 55-30% हुआ करता था रैयतवाड़ी में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। हमने आपको बताया कि यहाँ संपूर्ण क्षेत्र का 30% था, इसके अंदर जो क्षेत्र आते थे वो संयुक्त प्रांत अवध और आगरा पंजाब आता था, और यहाँ पे जो कर का लगान का वसूली या निर्धारण होता था वो अनुमान के आधारों पर किया जाता था। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो हमारे यहाँ की ब्रिटिश कंपनियाँ रही हैं, ब्रिटिश कंपनियों ने भारत में इन्हीं के माध्यम से, अगर आप देखेंगे तो कर को वसूलने का काम किया है इनके माध्यम से। हालांकि एक चीज़ और भी अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ कि इनके माध्यम से अंग्रेजों ने भारत के स्थानीय स्तर पर एक ऐसे वर्ग को उत्पन्न कर लिया था जिसे हम जमींदार कहते थे, और जमींदार अंग्रेजों के बहुत ज़्यादा मुरीद हुआ करते थे क्योंकि उन्हीं के लिए ये काम करते थे, और उनसे जो भी टैक्स का ये प्राप्त करते थे ये एक हिस्सा सरकार को पे करते थे, यानी ब्रिटिश सरकार को, और एक हिस्सा ये अपने पास रखते थे। धीरे धीरे इनकी स्थितियाँ और मजबूत होने लगी और ये भारत के लोगों का ही शोषण करते थे, और शोषण करने के बाद में जो राजस्व का कलेक्शन होता था वो ब्रिटिश कंपनियों को पे करते थे, ठीक। आगे देखेंगे कि जब भी 1857 की क्रांति हुई है तो जो हमारे यहाँ का जमींदार वर्ग है वो बहुत ज़्यादा दूर रहा है, ठीक। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे किसान एवं जनजातीय विद्रोह बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हुए हैं। जब हम किसान एवं जनजातीय विद्रोह को देखेंगे तो यही वो रीज़न रहे हैं कि जमींदारों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ सबसे ज़्यादा किसान एवं जनजातीय विद्रोह हमारे यहाँ हुए हैं, ठीक। अगर इसके साथ ही मैं बात करूं, अगर आप नील विद्रोह देखेंगे, कोल विद्रोह देखेंगे, हो विद्रोह देखेंगे, मुंडा संथाल देखेंगे, सन्यासी विद्रोह देखेंगे, तो ये सारे कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक रूप से शोषित वर्ग था जिनका शोषण जमींदारों ने स्थानीय स्तर पर किया था, और उनसे निकलने के लिए या उनसे मुक्ति छुटकारा पाने के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास में शामिल होने के लिए, इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए जो हमारे यहाँ क्रांति उत्पन्न हुई वो कहीं ना कहीं किसानियों जनजातीय तौर पे आप देखते हैं। और इनका अगर एक दीर्घकालिक परिणाम देखें तो 1857 की क्रांति पर भी इसका असर आपको देखने को मिलता है। देखिए 1857 की क्रांति के पे अगर मैं बात करूँ मतलब 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो प्रमुख कारण भले ही आपको ये बताया जाता है या आपने पढ़ा हो कि चर्बी लगा कारतूस था, लेकिन ये सिर्फ तत्कालिक कारण था, एकमात्र कारण नहीं था कि हाँ सिर्फ किसी एक छोटे से मुद्दे को उठा करके इतना बड़ा मतलब क्रांति खड़ा कर दिया जाए। इसके दीर्घकालिक भी परिणाम दीर्घकालिक कारण रहे हैं। अगर मैं बात करूँ दीर्घकालिक कारणों में सामाजिक आर्थिक कारण रहे हैं, इसके साथ ही में अगर आप देखेंगे तो किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा हुआ है, ये भी रहा है। इसके साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो सहायक संधि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रही है, व्यापगत की नीति बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रही है, ठीक। सहायक संधि, उसके बाद में सुरक्षित घेरे की नीति, ये भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रही है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे ईसाई मिशनरियाँ जब भारत में आती हैं तो भारत के सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ जो
कुरीतियां हैं या रूढ़िवादियां हैं उनसे कैसे भी निकला जाए, और अगर आप ईसाई मिशनरियों को शामिल होते हैं तो आपकी सामाजिक आर्थिक में भी वृद्धि होगी। तो ये सारे जो तत्कालिक आप कारण देखते हैं या दीर्घकालिक कारण देखते हैं ना, वो इन्हीं सारे नीतियों की देन है कि भारत में एक लंबे समय से जो अंदर से आग उबल रहा था वो 1857 की क्रांति के रूप में आपके सामने आता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें थी। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं है। ठीक, पूछ रहा है कौन सी पुस्तक नहीं है। देखिए दादा भाई नौरोजी की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश, ये आप इसको अनब्रिटिश कर दीजिए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडिया टूडे। ठीक, अगर मैं इन पुस्तकों की बात करूं या इन रचनाओं की बात करूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक, देखिए पहली दूसरी और तीसरी ये तीनों तो नौरोजी भाई साहब की है, ये नौरोजी। ठीक, लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ठीक, आरसी दत्त की है और ये रजनी पाम दत्त की है। ठीक, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो आपका चार और पांच ये। ठीक, अब थोड़ा सा इससे इतिहास के पन्नों पे हम चलते हैं और एक बार हम इतिहास में जाके कुछ और चीज को खंगालने की कोशिश करते हैं। ठीक, आपको पता होगा कि दादा भाई नौरोजी का अगर नाम आया है, नौरोजी साहब ने 1867 में एक अपना पत्र जारी किया था और इस पत्र के माध्यम से ब्रिटिश में ये बताने की कोशिश की, ये लेटर जो था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दादा भाई नौरोजी ने 1867 में अपना एक लेटर रखा, उस लेटर के माध्यम से यह बताने की कोशिश की या ब्रिटिश के लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि किस प्रकार से भारत के में धन का बहिर्गमन किया जा रहा है और उसके बदले में भारतीयों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक, मतलब अगर सिंपल सी मैं बात करूं तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था ये 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दिया था। इनका लेटर का नाम था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इस लेटर के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया और ब्रिटिश के लोगों का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। ठीक, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार यहीं पे बताया था 1867 में कि जो भारत के लोगों की आय है वो उस टाइम पे 20 रुपए थी, मतलब भारत में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 20 रुपए थी। हालांकि अगर आप इसके बाद देखेंगे तो 1930 में राव समिति ने पहली बार मतलब वैज्ञानिक तरीके से प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उन्होंने ये बताया कि जो भारत में प्रति व्यक्ति आय है वो 62 रुपए है। हालांकि हम ये आगे भी देख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो आपकी पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे, ये एक रजनीपाम दत्ता साहब की है और ये आरसी दत्ता की है। अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा बात करूं इंडिया टुडे की, तो इंडिया टुडे में ही रजनीपाम दत्ता ने आरपी दत्ता ने भारत में औपनिवेशिक चरणों का उल्लेख किया है। ठीक, अगर मैं बात करूं इंडिया टुडे में आरपी दत्ता साहब ने भारत में अंग्रेजों के औपनिवेशिक चरणों का उल्लेख किया है और अगर मैं बात करूं तो इन्होंने तीन चरण बताए थे। पहला चरण है वाणिज्यिक चरण, दूसरा है औद्योगिक और तीसरा है आपके वित्तीय पूंजी निवेश। कब से चलता है, अगर मैं वाणिज्यिक की बात करूं थोड़ा सा,
अगर वाणिज्यिक की बात करूं तो वाणिज्यिक चरण आप देखते हैं कि 1792 से या 1772 से लेके 1772 से लेके 1813 तक, ठीक 1813 का जब चार्टर एक्ट आता है तो वहां तक आपको देखते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार विदेशियों को यानी ब्रिटिश के लोगों को भारत में मुक्त व्यापार करने की इजाजत दी जाती है। हालांकि पूरी तरीके से अगर मैं मुक्त व्यापार की बात करूं तो 1833 के अधिनियम के माध्यम से किया जाता है, ठीक, लेकिन फिर भी 1813 तक हम इसको देखते हैं। वहीं पे अगर मैं औद्योगिक चरण की बात करूं तो इसको आप 1813 से लेकर के 1860 तक देखते हैं, और अगर मैं वित्तीय सेवा की बात करूं तो ये आप 1860 से लेकर और आगे तक देखते हैं, ठीक। तो इन सारी चीजों पे मैं नेक्स्ट टाइम बात करूंगा, बट हाँ कैसे क्या चीजें वो मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, सारा डेटा फैक्ट आपके सामने है, आप इन्हें नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में टपकेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो भारत में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, मैं पहले ही आपको डिटेल दे चुका हूं, दादा भाई नौरोजी ने। आरसी दत्ता की मैं पुस्तक भी बता चुका हूं, रजनीपाम दत्ता की भी मैं पुस्तक बता चुका हूं, इसके साथ ही मैं बी के राव, मैं अभी जो बात कर रहा राव साहब की, इन्होंने ही 1930 और 31 में पहली बार जो प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी वहां पे इन्होंने बताया था 62 रुपए, ठीक। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक। ये था आपका क्वेश्चन जो कि मैंने अस्थाई बंदोबस्त के तहत और रैयतवाड़ी महलवाड़ी और उसके दाएं बाएं की चीज़ों पे आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश किया है, आपको डेटा डिलीवर करने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी, और सबसे बड़ी बात है कि चीज़ें आप फैक्ट पे देखिए, कॉन्सेप्ट को भी समझिए, और सबसे बड़ी बात है कि आप भले कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी लिख लीजिए, अगर आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस नहीं फंसते हैं, और आप फंस भी जाएं, अगर आप करने में सक्षम नहीं हैं, तो समझ लीजिएगा कि पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता। और देखिए कोई भी एग्जाम हो उसका 90% क्वेश्चन हमेशा आपके टच में होता है, मतलब सिर्फ 10% क्वेश्चन आपको लगता है यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस से कहाँ का है मुझे नहीं पता, बट 90% क्वेश्चन पे आपका ध्यान फोकस होता है, आपको लगता है हाँ यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा है बट मेरे से फिर भी सही नहीं हो रहा है। उसका एकमात्र रीज़न यही होता है कि प्रॉपर तरीके से हम रिविज़न नहीं करते हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से हमारा रिविज़न होता रहे, टॉपिक वाइज रिविज़न होता रहे, एमसीक्यूज़ के माध्यम से रिविज़न होता रहे, टाइम टू टाइम रिविज़न होता रहे, तो आप देखते हैं कि फिर भी हम 90% में से 70-75% तक करने में सक्षम होते हैं, ठीक। और अगर किसी भी एग्जाम में अगर अनुचित साधनों का प्रयोग ना किया जाए तो यकीन मानिए 70% कट ऑफ कम नहीं होता है। 70% का मतलब यह हो गया कि आपको हिस्ट्री भी 70% जाननी है, पॉलिटी भी जाननी, इकोनॉमी भी जाननी, ज्योग्राफी भी जाननी, करंट अफेयर भी जानना है, मैथ भी 70% जानना है, उसके साथ ही आपको रीजनिंग 70% जानना है, आपको हिंदी 70% जानना है, अगर आप सुपर टेट दे रहे हैं तो आपको CDP 70% जानना है, इंग्लिश 70% जानना है, संस्कृत 70% आपको करना ही करना है। इन सारे टॉपिक्स को 70% करने का मतलब आप समझ सकते हैं अगर सही मायने में आपने मेहनत करके पढ़ा है तो, अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। 70% लाना आसान बात नहीं होता है, वो भी कंपिटेटिव एग्जाम में। हाँ अगर आप अकेडमिक की बात करें तो अकेडमिक में 90-95% लाना पॉसिबल है, लोग लाते भी हैं, बट कंपटेटिव में इतना आसान नहीं होता है कि अचानक लाया जाए, ठीक है। सो यकीन मानिए, मेहनत करिए, पढ़ते रहिए और अपने टॉपिक्स को कवर करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए